ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਦਿਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾਹੀਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਗਾਂਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਵਿਰਾਂਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਖੜ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਗਾਂਜਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਦਰ 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 ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮਾਪਾ ਮਾਪਾ ਨੀ ਬਾਣੀ क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। और व्यूअर्स, अभी अभी आपने बहुत ही खूबसूरत जो गीत सुना, कवाली सुनी, और अब्बास की आवाज़ में, वो ऑफकोर्स उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है। आज के दौर में व्यूअर्स, म्यूज़िक तो हर चीज़ का हिस्सा है। एक वक्त था जब म्यूज़िक कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन म्यूज़िक आज के ज़माने में, म्यूज़िक के बग़ैर हमारी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। जब हम परेशान होते हैं तब भी म्यूज़िक सुनते हैं, जब खुश होते हैं तब म्यूज़िक सुनते हैं, सुख दुख हर चीज़ जो है वो म्यूज़िक के साथ ही कनेक्टेड है। और आजकल सिंगर्स जो हैं वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो गीत गाते हैं वो लोग इन्जॉय भी करते हैं, हम लोग भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम रह चुका है जिनको अगर हम कहें कि आज भी हम जिंदा कह सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो आप लेजेंड आर्टिस्ट थे, और उसके अलावा आपके जाने के बाद भी आपके गीत जो हैं वो ज़िंदा हैं। आपको शहनशाहे कवाली भी कहा जाता था, और बहुत से टाइटल्स आपको दिए गए। एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए, आज अगर वो हमारे साथ होते, ज़िंदा होते, तो आज उनकी हम 73rd सालगिरह जो है वो मना रहे होते।
और ये ज़रूर कहूँगी कि उनके चाहने वाले जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और नई जनरेशन में भी एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि खान साहब की आवाज़ कितनी खूबसूरत है और वो कितने टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे और अपने म्यूज़िक के थ्रू आज भी हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कवाल सिंगर्स। जैसे कि मैंने कहा, शहनशाह कवाली का आपको लकब दिया गया, द किंग ऑफ कवाली का। और इसके अलावा पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी आपने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया एज एन आर्टिस्ट, एज अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, और बहुत सी कलेबरेशंस भी आपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ की। आई थिंक पीटर गैब्रियल के साथ भी की और बहुत से वहाँ के जो रिनाउन आर्टिस्ट हैं उनके साथ। उसके अलावा आप बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किए गए क्योंकि आपकी आवाज़ और आपकी पर्सनैलिटी इतनी यूनिक और खूबसूरत थी। सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते आप बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। और जिनसे भी कभी बात की जाती है खान साहब के बारे में, जो उनको पर्सनली जानते थे, मैंने तो खैर उनको एक दो तीन दफ़ा ही देखा परफॉर्म करते हुए और मुलाकात अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम से ज़्यादा नहीं हुई, बट बहुत ही नफीस और ब्रिलियंट इंडिविजुअल और बहुत ही सेंसिटिव। अगस्त 16th 1997 में आप हमारे से जुदा हुए थे और अब आपको हमसे जुदा हुए हुए आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 24 साल हो चुके हैं। तो खान साहब को आज हम याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। यूएस आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज 13 अक्टूबर को आपकी पैदाइश का दिन है। 1948 में आप पैदा हुए और अब आप टेक्निकली हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अपने म्यूज़िक, अपने कलाम, अपनी कवालियों के थ्रू जो हैं हमेशा मेरे ख्याल से आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहेंगे। व्यूअर्स, एक बात खान साहब की कि आप बहुत खुश खुराक थे, आप बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन थे और देसी खाने आप बहुत इन्जॉय करते थे, तो आज हमने सोचा कि टिपिकल जो लाहौरी देसी डिशेज़ हैं वो हम बनाएंगे। तो नाजिश हमारे साथ हैं, शेफ़ नाजिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक नाजिश, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? हमने कहा ट्रिब्यूट पर प्रॉपर होना चाहिए ना। आज हम बीफ नहाड़ी बना रहे हैं, उसके साथ हम चने अंडे बना रहे हैं, लाहौरी नाश्ता। हाँ, उनको अंडे चने एंड साथ में नहाड़ी और उसके साथ नहाड़ी के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे जिंजर, ग्रीन चिली, लवाजमात और तो चीज़ें पक रही हैं। रेसिपी की तरफ मैं बाद में आऊँगी, मैंने कहा ज़रा बता दें कि ये जो धुएँ उठ रहे हैं किचन में वो क्यों उठ रहे हैं। थैंक यू नाजिश, आप अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो जाए, वन बाय वन रेसिपीज़ की तरफ भी आऊँगी। व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे मुल्क के रिनाउन हर्बलिस्ट, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, इनका यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर है, क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी सोशल मीडिया पे, डॉक्टर फैसल सैयद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप डॉक्टर फैसल होंगे दूसरों के लिए, मेरे लिए तो फैसल भाई हैं, तो मैं तो अपने भैया से उसी तरह बात करूंगी। आज हम खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करें, क्या कहना चाहेंगे आप? खान साहब मेरे ख्याल सबकी फेवरेट हैं, 99% के 100% लोगों के फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब जो उनसे हैं वो खाली एक सिंगर नहीं थे, एक ट्रेंड सेटर थे उनके लिए। मैडम जी एक ट्रेंड सेटर, बिल्कुल एग्जैक्टली, जिनकी आवाज़ को फिर लोगों ने कॉपी भी किया और वो एक स्टाइल जो उनसे है वो चल पड़ा, जो मैं ख्याल कभी पुराना नहीं होगा। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली फेवरेट, और जो अभी गाने से स्टार्ट हुआ ये मेरा एक फेवरेट गाना है उनका, कवाली गाने उनके सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। और बड़े लोगों ने फैसल भाई अपने करियर का स्टार्ट भी उन्हीं के किसी कलाम से किया, बल्कि हमारे साथ अली शेर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली।
कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही खूबसूरत आपने परफॉर्म किया इससे पहले माशाल्लाह। अभी आपसे भी बात करनी है, लेकिन अली आपने भी अपने करियर का जब आगाज किया जब आप इंटरनेशनली जब आप एक प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे थे, तो जो पहला आपने सॉन्ग या कलाम जो पेश किया वो खान साहब का ही था? जी बिल्कुल, मेरे ऑडिशन थे जिसमें साजिद वाजिद, विशाल शेखर, देर मेहंदी थे सारे गामा पा में। तो मेरा पहला कलाम था तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना, और मैंने ज़्यादा खान साहब की पंजाबियाँ ही गाई, चूँकि इट्स अ रियली बिग ऑनर फॉर मी कि आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। तो जब मैं ऑडिशन में था, वो भी फैसलाबाद से है, आप भी फैसलाबाद से हैं, और भी फैसलाबाद से हैं। और ताज्जुब की बात, आप यकीन करें कि जब मैं ऑडिशन में था, अभी मैंने गाया नहीं था, तो उन्होंने देखा कि ये फैसलाबाद से है तो अच्छा ही गाता होगा। तो इट्स अ रियली ग्रेट ऑनर, चूँकि उस्ताद नुसरफ फतेह अली खान जी वहाँ से हैं, खान साहब राहत फतेह अली जी हैं, मेरे उस्ताद खान साहब एजाज कैसर साहब वहाँ से हैं, और फिर हम भी बस वन बाय वन उनके लिए खिदमत कर रहे हैं। की मिट्टी में कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा यूनिक सा है जरूर? यकीनन होगा, बिल्कुल। आप क्या कहोगे बेटा, आपने भी अभी ट्रिब्यूट पेश किया खान साहब की, तारीफ में खैर हम जितना भी कहें कम है, उनकी पर्सनालिटी के इतने फैसेट्स हैं, इतने डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी पर्सनालिटी के, कि अगर हम खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर ही प्रोग्राम करें, मेरे ख्याल से 15-20-40 प्रोग्राम कर लेंगे, खान साहब की ज़िंदगी नहीं कवर कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, मैं ये खान साहब के लिए जस्ट ये कहूँगा कि मैं बहुत एक अपने आप को लकी समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था तो खान साहब का जो हमारे घरों में आना जाना था हमारे बुज़ुर्गों के साथ, क्योंकि मैं एक खुद कवाल फैमिली से हूँ बेशक, और मेरे जो दादा थे वो उस्ताद फतेह अली खान साहब के शागिर्द थे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के वाले साहब के, तो खान साहब का हमारे घरों में बिल्कुल ऐसे जैसे फैमिली हमारे टर्म्स थे। खान साहब, मैं बहुत बच्चा था, खान साहब ने मुझे पैसे दिए थे, मैं यही कवाली गा रहा था उनकी, अखियाँ उड़ी थी, मुझे पैसे भी दिए थे खान साहब ने, तो मेरे लिए। और बाय द वे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे आप, बहुत से ऐसे यंग आर्टिस्ट हैं और सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जिनकी खान साहब ने हौसला अफजाई की, उनको पुश किया, उनको सपोर्ट दिया, बल्कि उनको मौके भी दिए और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जहाँ पे वो जाके ऑडिशंस दे पाए और डिफरेंट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे बहुत से लोगों को उन्होंने रिफर किया कि भाई इनको सुन लें, क्योंकि देखिए सीनियर अगर कहता है कि किसी को सुन लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है और लोग फिर उस बंदे को रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल भी उस हिसाब से। बिल्कुल, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। उनके मेरे म्यूजिक ऐसा है जिसको हम किसी एरा में कैद नहीं कर सकते, जब सुनते हैं वो नया लगता है, जब सुनते हैं उसमें कोई नई चीज़ सुनाई देती है। बिल्कुल, तो अली क्या सुनाएंगे कुछ आपकी तरफ? अब हम मैं अपने जो मैंने इंडिया में जाके मैंने परफॉर्म किया वो खान साहब का मुझे बड़ी अप्रिशिएट किया गया, मैं चाहता हूँ वही गाना आज मैं परफॉर्म करूँ। बनाया सा बनाया
लगता दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम हड्डियां सेपरेट कर रहे हैं और साथ साथ हम अपनी निहारी और अपना ये बना रहे हैं। चने, आप जरा रेसिपी बताएं, मैं तब तक ये करती हूँ। हाँ, सबसे पहले चने, चने आपने कुकर में डाल के या वैसे ही आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेने। जब चने गल जाएंगे तो आपने अदरक और लहसुन का तड़का लगाना। अदरक लहसुन का तड़का, उसके साथ गरम मसाले, साबुत गरम मसाले जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी, सिर्फ तीन गरम मसाले आपने डाल के उसको अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद आपने उसके अंदर चने ऐड कर देने। चने ऐड करके आपने इसको फुल कुक होने देना है। ये थिक होता जाएगा, ये अच्छे से थिक हो जाएगा जब आप इसको कुक होने देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर अंडे बॉयल करके डाल लेने। इसके बाद निहारी की रेसिपी, निहारी की रेसिपी में आपने सबसे पहले इसकी जो हड्डियाँ होती हैं बड़ी वाली, उसकी आपने यखनी निकालनी है। यखनी में भी आपने साबुत गरम मसाले डालने हैं जिसमें आपके लौंग, इलायची और दालचीनी और तेज़पत्ता होगा। जब आपकी यखनी दो तीन घंटों में अच्छी तरह कुक हो जाए, आपने यखनी को कुक करते हुए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो यखनी हड्डियों से अच्छी तरह नहीं निकलती और उसका फ्लेवर भी फिर वो नहीं आता। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको भूनी लगानी है जिसमें आपने अदरक लहसुन, ठीक है, और सबसे पहले आपने प्याज लाल करनी है। प्याज जो होगी आपकी 50-60% लाल होगी। आपने प्याज लाल करनी है, उसके अंदर आपने अपना मीट अच्छी तरह लाल कर भूनना है। उसके बाद आपने उसके अंदर मसाले डालने जो कि निहारी के मसाले होते हैं, पीसे हुए मसाले जिसमें गरम मसाले होते हैं और घर के रेगुलर मसाले होते हैं जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च होती है। आपने अच्छी तरह भून के उसके बाद इसमें खुला पानी डाल के आपने इसको पकने रख देना। 3-4 घंटों में ये आपकी ईजीली निहारी पक जाएगी। और यखनी और वो हड्डा आपने उसको दोनों को मिक्स करके आपने उसको ऊपर रखना है पकाने के लिए। ये मैंने आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर करना है। ये देखें, ये सारी हड्डियाँ जो हैं ये साथ और इसके हमने निहारी में कुक की हैं। ये हो गया सारा। और ये और जब आपकी हड्डियाँ कुक हो जाएं, जब आपकी निहारी हो जाए तो आपने आटा लगाने से पहले इसके ऊपर से इसका ऑयल उतार लेना है और आटा आपने भून के लगाना है। बिल्कुल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अक्सर लोग जो है ना वो उसको वो नहीं लगाते, मतलब आटा जो है वो उसी ऑयल में मिक्स कर देते हैं, फिर वो जो तरी वाला जो एलिमेंट होता है वो नहीं रहता, फिर वो आपको अलहदा से डालनी पड़ती है। सो जब आपको ऑलरेडी एक अच्छे, अब ये देखें ना, हमने एक अच्छी क्वांटिटी में बनाया, आज हमने सोचा हमारी पूरी टीम इन्जॉय करेगी। वैसे भी आपको पता, निहारी मेरी एब्सोल्युटली फेवरेट है, और अगर आप अच्छी तरह इसको पकाएंगे तो उसमें ऑलरेडी एक नेचुरल गाढ़ापन आ जाएगा। और उसके बाद अब ये देखें ना, मीट भी आपको नज़र आ रहा है और मतलब हमने उसमें से हड्डियाँ रिमूव कर दी हैं। अभी जो इसकी नली है वो हम इसमें वापस डालेंगे, वो हमने इसमें से सेपरेट कर दिया। हड्डियाँ मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए हैं कि ये जो हड्डियाँ हैं एक्चुअली जो इसका जो जूस है या जिसको हम यखनी कहते हैं उसी से तो जायका आता है। चलें, अब आप अपना काम कर लें, मैंने काफ़ी गंद मचा लिया आपके किचन में, हाथ पाँव दोनों सब कुछ ही धोने वाले हो गए हम। और ऑफकोर्स माई फेवरेट डॉक्टर इज हियर, हेलो डॉक्टर चावला। अस्सलाम वालेकुम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? सेट हैं, आपकी दुआएं, आपको देख के बहुत खुश। आप तो बहुत ही हसीन लग रही है, वैसे आप अक्सर डॉक्टर कम और मॉडल ज्यादा लगती हैं। डॉक्टर साहब, मैं यही डिस्कस कर रही हूं। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, जज़ाकअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए मेरी जान कि हम आज नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी? कोई आपकी फेवरेट उनका गाया हुआ कलाम या कवाली कोई फेवरेट? जी जुगन, अभी मैं जब सेट पर आई हूँ, आप तो थी थोड़ी बिजी ये सारा शो वगैरह करने में, तो आई थिंक सबने शायद नोट किया होगा कि मैं पीछे खड़ी थी और एकदम इतना खूबसूरती से ये उनका कलाम पेश कर रहे थे। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। तो मैं बिल्कुल चार्ज अप हो गई, मुझे वो बैठने का भी कह रहे थे, मैं बैठी नहीं, मैं आगे आ गई। तो वो कलाम में ही, आवाज़ में भी बहुत जादू था,
वो इतनी आप में मुसरत भर देता है, आपको इतना चार्ज अप कर देता है, आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट, कि उसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, उसमें रूहानियत भी है, उसमें तरन्नुम भी है, उसमें मुसरत भी है, उसमें जज्बा भी है, उसमें कुछ सच्चाई भी है. तो आई जस्ट फेल्ट दैट वो सारी वाइब गूंज रही थी इस कमरे में, तो वो सारा जो है आई थिंक मेरे एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट हो रहा था, मैं आके आगे आ गई थी. अच्छा, मैंने ना आज आपसे डॉक्टर साहब तीन चीज़ें डिस्कस करनी है स्पेसिफिकली. ऑब्वियसली योर न्यूट्रिशनिस्ट, योर डाइटिशियन, यू नो योर रिनाउन, और आप लाइफस्टाइल कोच भी हैं इन मेनी वेज. तो मैं आपसे, एंड देन ऑब्वियसली हैविंग एन MBBS बैकग्राउंड ऑल्सो, दैट रियली रियली हेल्प. नाउ व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू वाज दो तीन चीज़ें जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है. एक तो जब सीजन चेंज होता है, जुकाम खांसी वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन जो फ्लू है जिसकी वजह से फ्लू शॉट भी लगाया जाता है, लोग कह रहे हैं कि अगर कोविड और फ्लू एक साथ हो गया तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है. तो एक तो ये बात, दूसरी बात डेंगू भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बल्कि लाहौर में तो आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बट लाहौर में बहुत ज्यादा, पंजाब साइड पे. सो इससे रिलेटेड मैंने आपसे गाइडेंस लेनी है न्यूट्रिशनल, क्योंकि देखिए अंदर से मजबूत होंगे तो अगर खुदा ना खासा कोई चीज अटैक करेगी तो डेफिनेटली अंदर से मजबूत तो बाहर से मजबूत. डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं. एक तो ऑलवेज जो आपके पास प्रिकॉशन होती है, दैट इज़ बेटर देन क्योर. अभी तो हमने ये प्रिकॉशन करनी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा आपके पास कैंपेन्स भी चल रही हैं कि पानी कहीं खड़ा ना होने दें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें. आई विल कम टू ऑल ऑफ दैट. मैंने कहा मैं जरा फैज़ भाई के साथ जल्दी से कुछ हमने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है. फैज़ भाई आ जाएं जरा, उसके बाद आई एम गोइंग टू कम टू यू ताकि हम आराम से सुकून से बैठ के डिस्कस करें, बिकॉज ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है. फ्लू बाय द वे व्यूअर्स, अगर साहिब हैसियत अफोर्ड करते हैं प्लीज़ अपना फ्लू शॉट लगवा लें. घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनको प्लीज़ 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 निमोनिया का शॉट भी लगवा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो चीज़ें, आप लोग भी प्लीज़ सारे फ्लू शॉट लगवाएं और अपनी कोविड की वैक्सीनेशन प्रॉपरली कंप्लीट कराएं, और अपने प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करके ये पूछ लें कि क्या अगर आपने आज फॉर एग्जांपल फ्लू शॉट लगाया है तो अगर आपकी कोविड की वैक्सीनेशन पूरी नहीं है तो क्या हफ्ते 10 दिन बाद वो भी आप साथ में लगा सकते हैं या उसी वक्त लगा सकते हैं. जो भी ये सारी चीज़ें क्लियर करें. और प्लीज़ व्यूअर्स, हमें पता है कि कोविड से क्या होता है, वी नो कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इशूज़ हैं. प्रिवेंशन, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने अभी कहा, इज़ बेटर देन द क्योर. अच्छा, ये क्या है? ये मुख्तलिफ एसेंशियल ऑयल्स हैं, और जब यह बात हो रही है डेंगू की तो इसी का एक नेचुरल आपको वो बता देता हूँ, मॉस्किटो रिपेलेंट. ठीक है, उससे स्टार्ट ले लेते हैं. ये कैप्सूल है. अच्छा, ये फिर इस पर बाद में आते हैं कि ये दर्दों के हवाले से बताया. अच्छा अच्छा, ओके ठीक है. अच्छा, जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, अमूमन जो मार्केट में केमिकल बेस्ड आते हैं वो डीट के साथ होते हैं. बिल्कुल ठीक है. डीट एक ऐसा केमिकल है जो अगर स्किन पे बार बार लगाएं तो वो खुदा नखास्ता कोई भी बड़ी बीमारी ला सकता है. और ज़्यादातर जब आप लेते हैं ना कोई भी चीज़ इस तरह की तो पढ़ लिया करें डीट फ्री. डीट फ्री बिल्कुल ऐसी. अच्छा, दूसरा ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि डीट वाला ही आपको मिल गया और आपने लगाया, तो कोशिश करें कि बच्चों के और बड़ों के स्किन पे ना लगाएं, कपड़ों पे लगा लें या आसपास कहीं लगा दें बिस्तरों पे इस तरह से, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, कोई भी लोशन ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी लोशन ले लीजिए या एलोवेरा जेल ले लीजिए. ठीक है ठीक है. एलोवेरा जेल जैसे ये 2 चम्मच के करीब ले लिए, या आपने फ्रेग्रेंस फ्री लोशन लेना है कोई सा भी. ठीक है, उसमें हमने डालना है लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल. इसमें 2 टेबल स्पून है तो तकरीबन हम इसमें 5 कतरे डालेंगे लेमन ग्रास के एसेंशियल ऑयल के. ठीक है. अच्छा, उसमें हम डाल ये यूकलिप्टस. ठीक है ठीक है, तकरीबन 5 कतरे हम डालेंगे यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल के. ये मेरा ख्याल एंड पर है तो हम इसको एंड पे है, पूरे एंड हो चुका है. बहरहाल यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल डलेगा. और आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है कि ये डीट का नेमुल बदल है नेचुरल में, वो है सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल. ठीक है, सिट्रोनीला इसमें है. मैंने तो सारे मिक्स कर दिए ना आप. हाँ, सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल जो उनसा है वो हम इसमें डालेंगे. चले जी, मैंने उसमें से इस्तेमाल ऐसे करके लगा दिया. ठीक है, आपको पता ना जब भी मेरी कोई चीज़ खत्म होती है, सर शैम्पू भी खत्म होता है ना, तो उसमें मैंने पानी डाल के मिक्स करके सिर पे मल लेती हूँ. और बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, ये हमने 3 एसेंशियल ऑयल डाल लिए, और ये जो उनसा है बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए लगाने के लिए, बड़ों के लिए लगाने के लिए. और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे की प्रोटेक्शन दे देता है. और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि इसकी खुशबू अच्छी है, वरना तो जो आजकल मार्केट में मिलता है दिमाग को चढ़ जाती है उसकी स्मेल. ऐसे ही है बिल्कुल. तो ये अच्छी खुशबू के साथ आप लगा सकते हैं. कितनी देर के लिए बना के रख सकते हैं हम? अगर लोशन में बनाया है तब तो आप इसको जब तक मर्जी रख लें, पूरा 6 महीने रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. प्लीज मुझे आपको बना के भेज देंगे. मुझे ये आपने बना के, मैं बड़े बसीरे में ऑनर ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ. पता है हसन को और
नूर को, तो वो नूर को तो वो अगर लगा दें, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, जो मार्केट में अवेलेबल है उसके कपड़ों को, तो दिमाग को स्मेल चढ़ रही होती है। और इधर हमारे सारे जो टीम है वो भी सारे ला रहे हैं कि यार बच्चे लगवाना भी नहीं चाहते, जैसे अब बिकॉज ऑफ द बैड स्मेल ना, अगर स्मेल इतनी बुरी ना हो तो बंदा ना करे। और आपको पता है दिन में तो वैसे ही डेंगू का इशू नहीं है, अर्ली मॉर्निंग है और शाम को और वो टाइम। अच्छा, और दूसरी एहतियात ये करनी है कि जो ये मौसम आता है डेंगू का, तो उसमें पूरी स्लीव्स के कपड़े और पूरी आपने बच्चों को शॉर्ट्स नहीं पहनानी और हाफ स्लीव्स नहीं पहनानी। तो ये छोटी मोटी एहतियातें करें, बाकी डॉक्टर सहर जो उनसी हैं वो डिटेल्स बताएंगी कि और क्या क्या हो सकता है। सो ये हमारा डेंगू से रिलेटेड गाइडेंस हो गई। और कोई चीज़ है डेंगू से ही रिलेटेड, क्योंकि जोड़ों की दर्द में नेक्स्ट डेंगू से रिलेटेड एक और चीज़ है कि एक तो डिहाइड्रेशन ना होने दें बिल्कुल अपने आप को, और खुदा न खास्ता अगर वॉमिटिंग्स भी ज़्यादा हो या कोई ऐसे मसले ज़्यादा हों तो फिर आपको ज़रूर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अदरवाइज ये कि जो ये हमारा पौधा होता है पपीते का, इसके पत्तों को पीस के इसका पानी निकाल के पिलाया जाए तो प्लेटलेट्स बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हमें गाइड भी करेंगी, एंड देन ऑफ कोर्स गिट्टे गोडों का जिनको दर्द होता है उसके लिए भी आज हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और पोस्ट कोविड भी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाय द वे पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो भी आपने गाइड करना है हमारे व्यूअर्स को कि क्या लगाना चाहिए ब्रेक के बाद। हाय आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां, वैसे ये तो खान साहब को ही अप्लाई करता है क्योंकि उनकी कोई एज नहीं थी, एज नहीं थी, इस एज पे वो हमसे जुदा हुए। खैर वो ऐसी जगह चले गए जहां पे उनका उनके दर्जात और उनका लेवल इस दुनिया से कहीं ज्यादा बुलंद है, लेकिन हमें इस इंडस्ट्री को उनकी बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। व्हाट एन आर्टिस्ट, व्हाट अ मैन, मतलब वो ही वाज नॉट और परफॉर्मर थे, फुल परफॉर्मर थे, ये नहीं है कि वो आए और उनकी आवाज में, मतलब उनका अंदाज अपने अपने सॉन्ग को परफॉर्म करने का, उनकी परफॉर्मेंसेस जिस तरीके से वो लोगों के साथ पेश आते थे, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन। खैर डॉक्टर साहिबा ये बताइए, हम ब्रेक से पहले डेंगू की बात कर रहे थे, तो डेंगू व्हाट डू वी डू, हमने क्या करना है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है, और डिपेंडिंग ऑन कि हमने डेंगू के अगेंस्ट इम्प्रूव करनी है, कोविड के अगेंस्ट, फ्लू के अगेंस्ट, हमने अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करनी है। अभी आप ये निहारी बना रही थी और आप उसकी हड्डियाँ निकाल रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं बीच में पॉप इन करके बोलूँ कि हड्डियों की यखनी पिए। हड्डियाँ जो होती हैं आपके पास, बोन, बोन मैरो, इसीलिए तो आपने देखा है कि मैंने कोई क्यूब श्यूब का इस्तेमाल नहीं किया। जबरदस्त, ये बाय द वे व्यूअर्स चलाकियाँ छोड़ दें, ये सब खवातीन, आपको पता है आप कौन है। अभी हमने ये जो चने भी बनाए हैं उसके अंदर हमने मुर्गी की गर्दन जो है Lovely. वो डाली है ताकि चनों में उसकी भी यखनी आ जाए। बात यही है, हमारी गजाएं इतनी मुरगन और इतनी ज्यादा वो जो कहती है ना स्ट्रेंथ देने वाली क्यों थी, क्योंकि उनके अंदर यखनी और नली और देसी घी। एब्सोल्युटली, ये नली की बात बताना चाहती हूँ, बोन, इट हैज बोन मैरो। बोन मैरो में आपके पास ओरिजिन होता है टी सेल्स का। इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। आपको जो फॉरेन इन्वेडर्स बाहर से आने वाली इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं वो टी सेल करता है। अब चाहे वो इंसान की हड्डी है, चाहे वो, बिकॉज हम लोग जो है हम नॉनवेज भी खाते हैं, जानवर की हड्डी है, ठीक है, इंसान की हड्डियां ना खाइएगा। नहीं, हाँ इंसान की हड्डी मत खाइएगा। आज बाद में हमें बहुत प्यारा सा कपल ज्वाइन करेगा जो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और बड़ी अमेजिंग एडवाइस देते हैं। nice. तो उनको मैं कहूंगी कि किस पे भी वीडियो बनानी है कि इंसानों की हड्डियां नहीं खानी, और अगर आपको पता चले कि कहीं खोते का गोश्त मिल रहा है तो वो भी नहीं खाना। एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट है, एब्सोल्युटली नॉट। तो बताने का मकसद था कि जिस तरह हमारी बॉडी में जो बोन मैरो है वो इम्यून सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, जानवर की बॉडी में भी बोन मैरो प्रोड्यूस कर रही है। जब आप इसकी यखनी लेते हैं, एक तो आपको टी सेल्स मिलते हैं, फॉरेन इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप प्रोटेक्ट होते हैं, फिर इसमें होता है गूदे में आपके पास, जिसको आप नली भी कह लें, उसमें आपके पास होता है कॉन्ड्राइटिन और जेलेटिन और एमपीएस। एमपीएस आपके पास हमारे जिस्म का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, चाहे वो ग्राउंड सब्सटेंस मेरे टेंडन्स का है, मेरे मसल्स का है, मेरी हड्डियों का है। हमारे इम्यून सिस्टम का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो मेरी स्किन से स्टार्ट होता है, वो सीधा मेरे इम्यून सेल से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैं अपने ग्राउंड सब्सटेंस को मजबूत कर रही हूँ, मैं अपनी इम्यूनिटी को, ख्वाह वो डेंगू हो, ख्वाह वो फ्लू हो, ख्वाह वो कोविड हो, हर एक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही हूँ।
दूसरी चीज़, अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की बहुत अच्छे से पपीते की, पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप सिर्फ एक कप पपीता लेते हैं, आप अपनी दिन की 125% यानी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से भी ऊपर विटामिन सी की एक्सीड कर देते हैं। विटामिन सी इज नाउ नोटोरियसली फेमस फॉर इम्यूनिटी। अच्छा, बट आई हैव अ क्वेश्चन, बच्चे पपीता नहीं खाते, किस तरह खिलाऊं? स्मूदी में डाल दीजिए। या एब्सोल्युटली, यू कैन मेक पपाया सैलड्स, आप उसको स्मूदी, पैनकेक्स। मैं अपने 4 साल के बच्चे को, हसन को कहूं, जॉनी हैव अ पपाया सैलेड, वो कहेगा मामा व्हाट इज दिस, गिव मी चॉकलेट। तो मुझे प्लीज कोई वो बताओ, पैनकेक्स दोस्त हम तो खा लेंगे, उसका मैं क्या करूं? पैनकेक्स, आप पैनकेक बनाएं, और पैनकेक वाकई दो बेहतरीन चीज़ें। उसके ऊपर पपीते को कट करके डालें, किसी कार्टून की शेप बनाएं डॉट, और उस पर थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर लें, थोड़ी सी चॉकलेट चिप डाल लें। अच्छा, इतने सारे अच्छे के साथ इतना सा चॉकलेट भी डाल लें, कुछ नहीं होता। तो यू कैन ईट चॉकलेट, इवल सी शक्ल पे लोग आ जाते हैं ना, चॉकलेट का पागलों वाली आंखें, बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, हाय अब चॉकलेट खाने को दिल चाह रहा है, क्या हो रहा है मुझे। असल में जब निहारी बन रही होती है ना, दिल चाहता है जो सामने आ रहा है वो सब कुछ खा ले। बेशक, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही प्यारा कपल जिनके साथ आज मैं थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे, सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ पे स्नैक पे, टिकटॉक वगैरह, इन सब डिफरेंट फोरम्स पे बड़ी नेगेटिव और फजूल बातें हो रही हैं, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा कपल है, उनसे हम बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत पुरानी आपकी कभी मुलाकात रही होती है, बड़ा अच्छा काम का एक्सपीरियंस रहा होता है, और जब फिर उनसे मुलाकात होती है तो बहुत खुशी होती है। आशिक अहमद एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है, हमारे बिल्ली आंखों वाले, बहुत ही प्यारे से भाई। और वैसे ही भाई आप पे ज़्यादा इसलिए प्यार आ रहा है क्योंकि मेरी भी बेटी की आंखें अब बिल्ली में, उसकी ब्लू आइज है, तो इसलिए भैया पे ज़्यादा उन्हें प्यार आ रहा है। तो आशिक अहमद हमारे साथ हैं, एक्टर हैं और सोशल मीडिया स्टार हैं। उसके अलावा रीमा शेख, उनकी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ भी हमारे साथ हैं। सही कह रही हूँ ना? नो, नहीं, यू आर नॉट मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड। किधर है ना आप, जरा किधर छुप रही हैं आप, जरा अपना मुंह दिखाए ना, इधर आए ना, जरा मैं बताऊं सबको कि किसने मुझे गलत है। यू आर नॉट मैरिड? नहीं, यस ऑफ कोर्स आई एम नॉट मैरिड। यू आर नॉट मैरिड? तो ले, हम आपको पता है कि कहां कहां ये बात लिखी हुई है कि आप लोग मैरिड, ये लोग शादीशुदा नहीं है, जुगन कासिम ये भी गलत। चलो अच्छा हो गया, फेस एक्सप्रेशन से मैंने आपको बता दिया आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, टोटली सिंगल। मैंने कहा इसीलिए इतनी खुश लग रही है, लोग लड़कों के बारे में कहते हैं। चलो जी, रीमा शेख हु इज नॉट मैरिड टू आशिक अहमद इज विद अस। अच्छा, बाय द वे, एवरीबॉडी थिंक्स यू गाइस आर मैरिड, इसको क्लियर तो करो। ये हर वीडियो में मेरे साथ मौजूद होती है और लोग मुझसे यही सवाल करते थे कि आपकी वाइफ है। आपको पता है कि ऑनलाइन जब मैं आप लोगों के ऊपर रिसर्च भी कर रही थी, क्योंकि हर वीडियो में वाइफ भी तो आपकी बनी होगी ना, किसी एक वीडियो में अम्मी बना दो, एक में बहन बना दो, मसला हल हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी है, बहन भी बनी हूँ। अच्छा, वो नहीं वायरल हुई? वायरल हो वाली हुई, यानी कि अल्लाह की तरफ से शायद एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन है, सोचो तुम दोनों इसके बारे में। चले, दोनों के घर वाले मेरी टांगे तोड़ दे। एनीवे, सो रीमा एंड आशिक अहमद आर विद अस, माय अपोलॉजीज मेरी जान। चलो अच्छा है मैंने कह दी ये बात, ना कहीं होती तो वो क्लियर ना होती। क्लियर ना होती। अच्छा, सो आप लोगों की जो वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होती है। अच्छा, व्यूअर्स, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही फहाश और फजूल और रिडिक्यूलस काम हो रहा है, मैं बड़ी ब्लंट आपसे बात कर रही हूँ, और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में वीडियोज बनती है कि बंदा देख रहा होता है, कहते हैं इसमें क्यों वीडियो बना रही, मतलब दाने पॉप किए जा रहे हैं, फोड़ों की वीडियोस बन रही हैं, इतनी ग्रोस वीडियोस बनती हैं और कुछ बहुत उपसीन वीडियोस भी बनती हैं, लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर पॉजिटिव मैसेजेस वाली एंटरटेनिंग वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक्चुअली पीटीवी का ज़माना याद आ गया, जब हर किसी नेगेटिव चीज़ के पीछे भी एक पैगाम होता था और वो बड़ा क्लियरली पोर्ट्रे किया जाता था कि हम मैसेज दे रहे हैं आपको। तो इनकी कुछ हमारे पास क्लिप्स हैं वीडियोस की, आइए वो देखते हैं, उसके बाद इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ पे पहुँची। अब व्यूज, एक बात यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है याद रखने को, और ये चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो इंसान अपनी सगी माँ का नहीं, वो हमारा क्या होगा। और हम खवातीन यही डिमांड करती हैं मर्दों से कि वो अपनी माँओं को छोड़ के हमारे साथ सिंसियर हो जाएं। भाई, जो उसके साथ सिंसियर नहीं, जो उसको दुनिया में लेके आई, और जैसे कि भाई ने कहा, जिसकी पैरों के तले उसकी जन्नत है, जो उसकी जन्नत है अगर वो उसी को ठुकरा देगा तो बीवी तो मतलब वो तो एक रिश्ता, आप लोग अपनी मर्जी से एक ताल्लुक बना रहे हैं। तो ये किस तरह इस डायरेक्शन में आप दोनों निकले?
ये बेसिकली मैं खुद बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में से काम करता रहता हूँ, तो उसमें कुछ हमारे जब स्टोरियों में जब हम शूट करते हैं तो उसमें कुछ वन लाइनर या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होते जहाँ से उनको मैं मैच करके उन पे मैं स्टोरियाँ करता हूँ। और मेरे बेचारे भाई को ज्यादा नेगेटिव रोल मिलते हैं जिसपे मुझे गुस्सा भी चढ़ता है, जबकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत, बाय द वे अगर आप इनको इन पर्सन मिले तो वो जो कहते हैं ना एक टेडी बेयर नहीं होते, जेंटल जायंट हमारे बहुत ही प्यारे इंडस्ट्री के। हाँ, मैं बेसिकली नेगेटिव कैरेक्टर इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है नेगेटिव कैरेक्टर, और या तो मुझे ऐसा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है जो बिल्कुल गरीब किस्म का कैरेक्टर हो, जो डिफरेंट हो, थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। लेकिन इसमें आप बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस लेके चलते हैं एज द हीरो। असल में ये मैं इसलिए करूँ ना कि हम जो सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे लोग जो काम करें ना वो गानों पे मुख्तलिफ ड्रेसेस पहन के और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जिससे जो है गलत मैसेज जा रहे हैं आवाम के बीच में, लड़कियों के बीच में, या दूसरे लोग उसको देख के फॉलो करते तो उनके घर में काफ़ी ऐसे मसले मसाइल होते हैं। तो मैसेज ऐसे होते हैं कि इस मैसेज से आपको बेनिफिट भी बहुत मिलते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं ना इन चीज़ों से उनको कोई कोई सबक भी सीखते हैं इन चीज़ों से कि यार ये इस तरह करना चाहिए हमें काम। अच्छा, आप इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनी? पहले आपका ये आइडिया था, इनका था, क्या हुआ? हम दोनों का साथ ही आइडिया था और ये मैसेज इसलिए था कि लोग सामने क्या होते हैं, पीठ पीछे क्या होते हैं, तो इस तरह अब हस्बैंड वाइफ जो आपस में लड़ रहे होते हैं या माँ के लिए, तो माँ पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, ये वीडियो उसके लिए बनाया था कि माँ का भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ हस्बैंड को नहीं देखना चाहिए ना, या हस्बैंड को बीवी को नहीं देखना चाहिए, माँ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माँ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा भाई हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे खानदानों में शादी होती है और खानदान की खानदान से एक कनेक्शन बनती है। हम पता नहीं कौन से टेंजेंट पे निकल जाते हैं कि बस मैं, मेरी बीवी और मेरा शोहर, और फिर सपोर्ट नेटवर्क हमारा खराब हो जाता है। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम एक जमाने में कितना अच्छा हुआ करता था, अब तो कभी कभी हमें सुनने को मिलता है और वो अब तक चल रहे हैं, और जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके 2 साल बाद 1 साल बाद तलाक हो जाती है, या वो घर छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर पैसों के भी मसाइल होते हैं। बिल्कुल। और जो एक सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, जब घर में कोई बुजुर्ग होता है और बड़ा होता है तो आपके बच्चे भी इतने अच्छे अंदाज में पलते हैं और दोनों मियाँ बीवी जो है उनको पर्सनल टाइम भी कुछ मिल जाता है। देखो, जब अल्लाह ताला आपको जो चीज़ देते ना तो इंसान को सबसे पहले उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बीवी भी जो ना ये कि वो या माँ या बीवी जो भी है, सबों का बराबर एक हक होना चाहिए, लेकिन जो वाइफ है उसको पूरे घर को देखना चाहिए कि मेरी माँ जो ना घर छोड़ कर, तो एक लड़की की जब शादी होती है जाहिर सी बात है उसका घर तो वही होता है जहाँ वो चली जाती है, तो उसको जिस तरह वो अपने घर में अपनी माँ का या अपने भाइयों का ख्याल रखती है ना, तो इस तरह उसको चाहिए कि वो दूसरे घरों में भी जावे ना तो उन इसी तरह का ख्याल रखे। और जो आपका एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये भी था कि मतलब देखें, काम अगर दोनों, जिस तरह आप उस वक्त सब्जी एक वीडियो में पहले आपकी देख रही थी, बाय द वे आपने इनको फॉलो करना है तो आप इनको स्नैक वीडियो पे फॉलो कर सकते हैं, दे आर वेरी वेरी वायरल एंड देव गॉट अमेजिंग कॉन्टेंट। बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो हम दिखा नहीं सारी सकते यहाँ पे, बट मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जाके देखें और अपने आइडियाज़ भी इनके साथ शेयर करें कॉमेंट्स में कि भाई इसके ऊपर भी बनाएं, इसके ऊपर भी बनाएं। भाई बड़ी लोगों की दुखती रगें होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वीडियोज़ बने, तो आप इनको सजेशन भी दे सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग बुके ऑफ गेस्ट है, लेकिन गिट्टे गोडों की दर्द का ख्याल आ गया। अभी हम ब्रेक से पहले माँ की बात कर रहे थे तो गिट्टे गोडों में तो सबकी दर्द होती है, तो गिट्टे गोडों की दर्द को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जरा दोनों एक्सपर्ट्स मेरे साथ आ जाएं। चलते चलते आप जरा बताएं कि जो गिट्टे गोडों में दर्द होती है ये क्यों होती है? अच्छा, क्यों हमारे मुल्क में इतनी खवातीन को ऑस्टियोपोरोसिस है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ वो खवातीन जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करती है उनको सेल्फिश कंसिडर किया जाता है, तो जो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती है जवानी में और जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब वो मेनोपॉज हिट कर देती हैं, तो उस टाइम जो उन्होंने कैल्शियम, अपनी विटामिन, अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज उस टाइम पूरी नहीं की होती जब मेनोपॉज से पहले, तो वो खुद को दिखाना जुगन, वो खुद को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती हैं। अगर आप कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स, अपने न्यूट्रिएंट लेवल्स चेक रखें, वही डाइट लें, वही सप्लीमेंट्स लें जिसकी आपको एंड टाइम पे जरूरत है। जब एक बच्चा माँ के जिस्म से निकलता है ना, वो माँ के जिस्म का कैल्शियम खींच के निकलता है, जब जिस्म
सिस्टम में कैल्शियम कम हो जाता है फीटस को मिलना, एम्ब्रियो को मिलना, तो क्या आप जानते हैं बच्चा माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है? ऐसे ही माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है। वो माँ जब सारी जिंदगी कुर्बानियों में लगी रहेगी और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ आर्थराइटिस जो है उसके काफी रीजन है जुगन, वो आपके पास वो तो जेनेटिक और दूसरा भी होता है। लेकिन देखिए व्यूअर्स, बहुत से लोग हैं जो अपनी आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं थोड़ा ख्याल रख के। मैं अक्सर ये यंग लड़कियों को भी कहती हूँ जो जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं एंड जो टीन्स में भी होती है, मैं कहती हूँ बेटा आप लोग इस एज पे आपको लगता है कि आप सारी ज़िंदगी इसी हेल्थ और फिटनेस के साथ होगे, यू फॉरगेट दैट एक पॉइंट आएगा जब आपके गिट्टे गोडे हिल जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि घर की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, जो आप अभी ब्रेक से पहले भी समझा रही थी बोन मैरो और इन चीज़ों से रिलेटेड। देखिए घर की जब नींव फाउंडेशन जो है वो मजबूत होगी ना, तो वो घर जो है वो डेकेड्स गुजार देगा। कभी कुछ ऐसी जगहें हैं जो 100-100, 150-150 साल भी जो है उसी तरह खड़ी रही हैं। लेकिन बर्बादी तब होती है जब आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करते, और वो हमारी टीन्स में और चाइल्ड बेयरिंग की एज तक का टाइम। एब्सोल्युटली, मैं ये बात अक्सर कहती हूँ कि जवानी में ना आपको जवानी चलाती है, असूल नहीं चलाते। आपको कब पता लगता है कि आपके असूल ठीक थे? जब आप बूढ़े होते हैं तो वो आपको आपकी सेहत बता देते हैं। जैसे कि फैसल भाई, हमारी एक ही, हमारी दोनों की एक ही कोई सिचुएशन है। अच्छा मुझे ये बताइए कि गिट्टे गोडो के लिए क्या खाएं? खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें, मतलब क्या, मतलब टोट का है जो उनसे टोट का, एक तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सौंट सौंट, एक तो सौंट को एक बात के रिश्तेदारों ने इन्वेंट किया है मुझे सुरंजान, और दूसरे सिंघाड़े, सिंघाड़े बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स का, कैल्शियम का, सुरंजान जो उनसे है, ये आप देखें, ये देख लीजिए लग कुछ सब कुछ एक ही रहा जैसा रहा है, मिलती जुलती चीजें रह गई। ये है सौंट, सौंट, सुरंजान और सिंघाड़े, इनको हम वजन लेके पीस के रख लें और इसकी जो उनसी आधी चमची सुबह आधी चमची रात को दूध के साथ खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह कैल्शियम डिफिशेंसीज भी ख़त्म हो जाएंगी और बहुत अच्छा आपका दर्द का भी रिलीफ हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि हल्दी लगाने के लिए कुछ नहीं है, लगाने के लिए भी बता देता हूँ, लगाने के लिए बहुत, क्योंकि पता है उस वक्त जब दर्द हो रही होती है ना, जब तक कुछ उसके ऊपर कोई सकून के लिए चीज़ ना देना, और हम लोग वो डीप हीट और विंटोजीना और डीप फ्रीज, पता है सारी मेरे पास एक लाइन में पड़ी हुई है ये चीज़ें कि जब किसी के भी गिट्टे गोडे में दर्द होती है मैं जाके स्प्रे करना शुरू हो जाती हूँ, लेकिन कोई बेहतर हल होगा? बेहतर हल है बिल्कुल, एक एसेंशियल ऑयल आता है इस वक्त इसमें है नहीं मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, विंटर ग्रीन एसेंशियल ऑयल, ठीक है, इजिली अब ऑनलाइन अवेलेबल है सारे एसेंशियल ऑयल, कहीं से भी आप मंगवा लीजिए, विंटर ग्रीन एसेंशियल ऑयल लीजिए, और जो हमारा तिलों का तेल होता है सेसमे सीड ऑयल जो होता है उसमें आपने हल्दी को पका लेना है, ठीक है, ठीक है, हल्दी पका के आपने वो ठंडा कर लिया, जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें आपने विंटर ग्रीन एसेंशियल ऑयल डालना है 100 ml में 10 drops, ठीक है, एसेंशियल ऑयल का डाल के रख लीजिए, जहाँ दर्द हो जिस वक्त दर्द हो उसको अप्लाई कीजिए और इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा। अमेजिंग, और आपको एक तीसरी बात भी बताना, तीसरी बात आपको बताया था कि हल्दी और काली मिर्च इसको मिला के रख लीजिए, हल्दी बॉडी में बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, काली मिर्च उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत फ़ायदा बन देती है, तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को, हल्दी को और काली मिर्च को मिक्स करके रख लें। बाय द वे हल्दी हीलिंग के लिए इतनी बेहतरीन, इक्वल करना है, हाँ इक्वल कर लीजिए, और इस तरह के ये कैप्सूल्स होते हैं इनको आप भर लें, ये भरा हुआ है ऑलरेडी, तो लोग पूछते हैं कि कैप्सूल घर में कैसे भरा जाए, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, इसको खाली करते हैं, ठीक है, और बहुत आसान तरीका है, यह आपने बनाया, इसको आपने मिक्स कर लिया और इसको आप टैप करते जाएंगे तो ये कैप्सूल जो उनसे आपका फिल होता जाएगा। ओए हाउ कूल, चलिए मैंने करना टैप, ठीक है, इसको आप टैप करते जाएं, कैप्सूल आपका फिल होता जाएगा और उसके बाद ये ऊपर कैप लगा लीजिए, लवली, ठीक है, तो ये आपके कैप्सूल घर में तैयार हो गए, घर में शुरू करने लगी हूं, तो ये हमारे कैप्सूल तैयार हो गए एंड बहुत ही अच्छा, इससे क्या होता है? इससे पेन भी खत्म होगा, आपके इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और ये जो उनसे सीजन अब आ रहा है तो इस सीजन में अगर आप ये खाना शुरू करते हैं ये वाला कैप्सूल तो आपको फ्लू होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, आपको अंदर से जो उनसे स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके साथ अगर इसके साथ मजीद इसको बेहतर करना है तो दूध लीजिए नीम गर्म, उसमें दालचीनी का पाउडर डालिए, शहद डालें और ये पी लें इस कैप्सूल के साथ, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी पूरी सर्दियां
बहुत हेल्दी, बहुत सुकून, और इससे बाय द वे खांसी, जुकाम, सारे इसके सारे असरात, सारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, सर्दी के जितने भी बीमारियां हैं वो सारी आपकी इससे कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, ये भी हम बाय द वे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे मैंने जानना है कि वो कहते हैं स्टाव, कोल्ड, फीड, फीवर, थे पता नहीं की, थे पता नहीं कि किस वक्त खाएं, किस वक्त ना खाएं, क्या करें, ये भी जानना है। एंड ब्रेक के बाद हमने एक और वीडियो भी आपके साथ व्यूअर्स शेयर करनी है और सॉन्ग्स की तरफ भी जाना है, तो बल्कि गाने से ही वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ठट जान सुसेनु एक पल भी न लम्मी पे नाल मैं प्यार न कर दी मेरी जान नए दुख से टुर न दे जद टुरदा ते लड़ फड़े मेरी जिंदगी प्यारा मेरी जिंदगी तेरा प्यारा तू करीब मेरे दिल दे ए नसीब मेरे दिल दे तू करीब मेरे दिल दे ए नसीब मेरे दिल दे सोनिया तेरा प्यारा मेरी जिंदगी Amazing, the brilliant Urabas and Ali Sher, क्या बात है, क्या खूबसूरत combination, wonderful. अच्छा, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, डिस्कशन गिट्टे गोडो की भी बात हो रही थी, लेकिन हमने ये भी बात करनी है कि ये जो वीडियोस आप लोग बनाते हैं, इन वीडियोस में कौन लोग होते हैं, जैसे कि आप भी एक्टर हैं, आप भी एक्टर हैं, तो वो जो बाकी लोग होते हैं उनमें कोई रिलेटिव्स या जानने वाले होते हैं? नहीं, मैं उनको हायर करता हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जानने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम जहाँ शूट पे जाते हैं तो टीम वर्क एक साथ होते हैं, तो मैं वहाँ कुछ टाइम में अपनी वीडियो बना लेता हूँ, तो करेक्टर होते हैं तो आसानी हो जाती।
आप किसी नए बंदे अम्मी का रोल बार बार अदा करती है वो कौन है? वो बेसिकली आर्टिस्ट है, बेशुमार ड्रामों में भी काम कर चुके हैं और टीवी सीरियल्स में। तो जो आप किसी दूसरे किसी कैरेक्टर को आप अगर हायर करोगे ना तो उसमें बहुत आपको जो ना वो मिलेगा, वो उस तरह से प्ले नहीं कर पाएंगे जिस तरह प्रॉपर एक्टर कर सकता है, उसको बहुत सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे आसानी हो जाती है और एक ही टाइम में आसानी हो जाती है, निकल जाती है। हाँ, नहीं, हम पूरे दिन में हमारी 3 से 4 वीडियो बनती है, एक वीडियो में 1.5 घंटा 2 घंटा लगते हैं। अच्छा, 1 घंटा कम से कम लगते हैं। सही। और जो ये कि करेक्टर प्रॉपर करेक्टर होते तो हम 40-45 मिनट में कर लेते, बस ये बेनिफिट होते हैं, ये बेनिफिट हो जाता है। ओके, हमारे पास एक और वीडियो है, हम उसको देखते हैं। आइए देखते हैं व्यूज। ये बड़ा ही एक पॉजिटिव मैसेज। अच्छे पेड़ ना मारी होती तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वो वायलेंस के खिलाफ है हम एज अ चैनल आल्सो। बट बात ये है कि नहीं, बट बात ये कि देखिए, एक जनरल पॉइंट जो अक्रॉस करना है वो ये है कि व्यूअर्स, इस वीडियो की इंस्पिरेशन कैसे आई, ये क्या ऐसा क्या हुआ जिससे आपको ख्याल आया कि इस किस्म की? ये हुए बहुत सारे वाक्य हुए कि लड़की अपने घर में जो ना वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ करे, वो अपने घर में मतलब अपने माँ या बहन किसी के लिए कुछ नहीं करे, सबको भूल जाए, सिर्फ मेरा तो मेरा बन के रहे। माँ बहनें जो भी रिश्ते हैं वो शादी से पहले हैं, शादी के बाद ख़त्म हो जाए, तो कुछ लड़कियाँ ऐसा चाहती हैं। अब ये मेरे घर में मतलब मेरी माँ को मतलब ये कि सही तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिससे मैंने अपनी माँ को अलग घर लेके दिए, लेकिन इसकी माँ को घर से उसकी बहू ने निकाल दिया, तो इसको जब पता चला कि मैंने बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी माँ को निकाला तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम मुझे मेरी माँ को इतना तंग कर रही थी जिस वजह से मैंने अपनी माँ को अलग घर लेके दिया कि मेरा घर खराब नहीं हो, घर में रोज रोज चिक चिक नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और पता है व्यूअर्स एक बात, जब सास बहू और जब फैमिली में बहुत ज़्यादा इस तरह फड्डे मसाइल चल रहे होते हैं तो उसका एक बड़ा सीरियस इफेक्ट जो है वो मर्द के ऊपर भी पड़ता है। हम हमेशा ना सास बहू के ऊपर फोकस करते हैं, बीच में मर्द भी पिस जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के, देखें माँ तो माँ है, सबकी माँ सांझी होती है, सबकी औलाद सांझी होती है और भाई बहन भी सांझे होते हैं, थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में चलना चाहिए। मेरे से जब कोई कभी मुलाकात होती है किसी की और मैं अपनी फॉर एग्जांपल हस्बैंड की बहन के साथ हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी बहन है मंजी दीदी, मैं ये नहीं कहती कि ये मेरी नंद है, ये मेरी जिठानी, मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं है कि कौन सा रिश्ता क्या होता है, मैं तो इसी में कंफ्यूज रहती हूँ कि जिठानी कौन होता है और देवरानी कौन होते हैं। एंड द पॉइंट इज मैं जानना भी नहीं चाहती, मैं इसलिए नहीं जानना चाहती क्योंकि फैसल की बहन है मेरी बहन है, फैसल के भाई मेरे भाई, मेरी बहन उसकी बहन, मेरा भाई उसका भाई, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है दीजू, मैं उसको हमेशा कहती हूँ हमारी छोटी बहन है ये, बिल्कुल, क्योंकि वो टेक्निकली भाभी है लेकिन वो मेरी छोटी बहन है। और अगर मैं ये सोचूंगी कि ये मेरी भाभी है, ये मेरे भाई की बीवी है, मैंने तो 100 वसवसे जहन में और दिल में आते हैं। तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कान में बहन ब्रेक ले लें, तो अहमद हाशमी भाई आपके कहने पर मैं ब्रेक ले लेता हूँ। नली वाली बीफ निहारी और मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, आपने बहुत मज़े की बनाई। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि दोनों डिशेस की शक्ल फ़र्क है। असल में जो टिपिकल लाहौरी वाले चने होते हैं ना, वो कुक काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है और मुंह में पानी आ रहा है, क्या करूं? और इनमें कोई मिर्चें नहीं डलती, इसमें बेसिकली काली मिर्च डलती काली है, मिर्च डलती यखनी काली मिर्च और नमक का इसके अंदर जायका होता है। एंड आई थिंक डॉक्टर साहिबा भी वाउच करेंगी कि सर्दियों में ये एक बेहतरीन चीज़ है खाने को, आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, कांटे के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पराठा या रोटी वगैरह के साथ खाएं। इन इटसेल्फ एक बॉयल्ड एग के साथ ये एक कंप्लीट मील, मतलब लंच में अगर मैं ये खा लूं विदाउट ब्रेड या रोटी या चावल या व्हाटएवर, तो ये एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है, राइट डॉक्टर साहिबा? एंड देन निहारी की जब हम बात करते हैं, देखें डॉक्टर साहिबा की सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है वो हमेशा एक ही बात कहती है कि देखें हमें ये नहीं कह रही कि सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, लेकिन एतदाल से मतलब एक रीजनेबल अमाउंट का खाएं। तो ये हमारी निहारी भी तैयार हो गई और दोनों की आप देखेंगे शक्लें फ़र्क हैं, वरना अक्सर आप लोगों के घर खाने पर जाते हैं हर चीज़ की शक्ल एक ही होती है। वेल डन नाज़िश, वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड लवाज़मात भी सबसे प्यारी लग रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ज़ुकाम खांसी के सीज़न में क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी शुरू हो गया ये वाला मसला?
बेहतरीन बात यह है क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, हमें हर्ब्स का फायदा उठाना चाहिए, हर्बल टीज लें, एटलीस्ट ग्रीन टी के कॉन्सेप्ट से तो सभी वाकिफ हैं। जिंजर और जिंजर जो होता है आपके पास अदरक, उसमें एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जिंजरॉल। जिंजरॉल में ये एबिलिटी होती है कि वो आपके जिस्म से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, सब इन्फेक्शन को वॉश आउट कर सकता है। तो प्लीज़ आप अदरक वाला कावा, वो लोग जो ब्लड थिनर्स पे नहीं है, वो लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे नहीं है, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। सर्दियों की सौगात, हमारे पास मछली भी है, मछली आपको गुड फैट देती है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड देती है। खाने में मछली का इस्तेमाल करें, बीफ कोई बुरी चीज नहीं है, बीफ आपके पास शदीद न्यूट्रिएंट रिच है, हफ्ते में आप एक से दो बार बीफ का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आयरन की कमी भी पूरी हो जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, अब दूसरे डॉक्टर साहब जी, एक कहवा तो इन्होंने बताया जिंजर के साथ, उसी में ऐड कर दीजिए लौंग, दालचीनी और बादियान खटाई का थोड़ा सा हिस्सा, और इतना मजे का उसका जायका, इतना मजेदार जायका, वो प्योर अदरक वाला खाओ, फ्रेश हो चाहिए उसके लिए, हो जाता है। तो लौंग, दालचीनी और बादियान खटाई उसमें ज़रूर ऐड करें और ये कहवा पिए, बिल्कुल आपको फ्लू वगैरह सबसे निजात मिल जाएगी। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा अगर घर में कोई बच्चा बीमार है या आप लोग खुद बीमार हैं, लोगों के घर मत जाया करें, बहुत बुरी बात है। और ये मैं बार बार इसलिए समझाती हूँ क्योंकि हम कहते हैं खैर है, थोड़ा जहा जुकाम ही है गए, और जुकाम वाला जो बच्चा है ना, वो बाकी किसी और के घर में पूरे घर को बीमार कर देता है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो कम से कम उस बीमार शख्स को मत लेके जाएं। मैं कोविड की बात नहीं करी, मैं वैसे कह रही हूँ खांसी, जुकाम, ये वाली चीज़ें। मुझे अगर हल्की सी खांसी भी होती है तो मैं अपनी अम्मी को और अपनी सास को नहीं मिलने के लिए जाती, काम पर भी फिर मैं लोगों से डिस्टेंस पर रहती हूँ, या मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि मैं ऑफ ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, वैसे ही कोविड, डेंगू, इतने मसाइल चल रहे हैं, उसके बीच में कोई और एक बीमारी आ जाए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने बाय द वे डेंगू के बारे में भी कुछ बनाना है, प्रॉमिस करें, प्रॉमिस, डेंगू के ऊपर आपने मैसेज देना है क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो प्लीज। और दूसरा, आपने जो विमेंस राइट्स के लिए भी बनाना है, हमने सिर्फ आपको टीजर दिया है, ये कुछ दो तीन वीडियोस इन्होंने बनानी है जो इन्होंने मुझे प्रॉमिस की, क्योंकि ये इतना अच्छा मैसेज देते हैं, उसमें जो वर्किंग लेडीज हैं उनकी भी सपोर्ट में हमें कुछ चाहिए। थैंक यू सो मच आप सबका हमें ज्वाइन करने का। जाते जाते ऑफकोर्स नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, करवट उनको सुकून मिले और उनके लिए आसानियां पैदा हों जिधर भी अब वो हैं। सो व्यूअर्स, हम जा रहे हैं, जाते जाते हमारे जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं वो ट्रिब्यूट पेश करते हुए हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। ओवर टू यू। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना।
बीत गईया बरसा सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना मुड़ना है हाय दिल दे जानी